लुकास और मैं शिकागो से हैं और 12 साल से शादी कर चुके हैं। हाँ, 12 एक उपलब्धि की तरह लगता है ना? लेकिन जैसा कि वे कहेंगे, जो कुछ भी चमकता है वह सोना नहीं है। हमारे पास एक सामान्य मध्यम वर्गीय जीवन है और आर्थिक रूप से हम ठीक से अधिक हैं। हम दोनों काम करते हैं, बिलों का भुगतान करते हैं और अभी भी थोड़ी देर में रात के खाने के लिए बाहर जाने के लिए कुछ बचा है। लेकिन सुनो, मैं आपको बता दूं, समय हमेशा हमारा दोस्त नहीं होता है। साथ मिलने, रिश्ते और अच्छे समय को साझा करने के बावजूद एक आवर्ती समस्या थी जो हमारी दिनचर्या बन गई। लुकास ने मुझे असंतुष्ट छोड़ दिया। उसने मुझे एक महिला के रूप में संतुष्ट नहीं किया। हाँ, वह सामान्य चर्चा थी, वह विषय जो हमारे घर को छोड़ना नहीं चाहता था। यह सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, यह वांछित महसूस करने के बारे में है, इस तरह से जुड़ने के बारे में जो समय के साथ अधिक मायावी हो गया था, लगभग न के बराबर। सार्वजनिक रूप से हम एकदम सही मैच थे, मुस्कान, आलिंगन, वह सब। लेकिन हमारे घर की गोपनीयता में एक डिस्कनेक्ट था जिसे हम में से कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता था, और इसलिए बेवफाई की इस कहानी के बीज बोए गए थे। हम, लुकास और मैं, पहले एक साथ थे जितना हम कर सकते थे, लेकिन समय के साथ प्रकाश बाहर चला गया, केवल अंधेरे को छोड़कर। अब मैं यहां किसी को दोष देने के लिए नहीं हूं, क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं और यह सिर्फ मेरा है। इसलिए जैसा कि हम इस प्रतीत होता है स्थिर जीवन जीते थे, मेरी रातों की चुप्पी अनकहे तर्कों की गूंज से भरी हुई थी। इच्छाओं को हमने अनदेखा करने की कोशिश की और यह महसूस किया कि कुछ विस्फोट होने वाला था, और वह विस्फोट बस कोने के आसपास था। लुकास, मेरे पति, वह आदमी जिसे मैंने सोचा था कि मैं अंदर से जानता था, एक अथक कार्यकर्ता, वह एक अच्छा आदमी और मेरा साथी था, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा मेरे लिए था, तब भी जब चीजें जटिल हो गईं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, हर कहानी के दो पहलू होते हैं और मैं आपको अपना बताने के लिए यहां हूं। लुकास उस तरह का आदमी था जिसे हर कोई अपनी तरफ से रखना चाहेगा। उन्होंने बिना किसी शिकायत के कड़ी मेहनत की और हमेशा हमारे घर की देखभाल करने के लिए समय निकाला। लेकिन कभी कभी दिनचर्या नीरस हो सकती है और यहीं से दरारें दिखाई देने लगीं। मैं कुछ दोस्तों को आमंत्रित करता था, बस चैट करने के लिए, खाने और आराम करने के लिए काटने के लिए, सामान्य से कुछ भी नहीं है ना? खैर, यही मैंने सोचा था, जब तक कि वह दिन नहीं आया। मैं आपको लुकास के दोस्त से मिलवाता हूँ जो यह सब ट्रिगर करेगा। नूह, एक करिश्माई आदमी, एक आकर्षक व्यक्तित्व और उस तरह की ऊर्जा के साथ जो आपको जीवित महसूस कराती है। हमारा समूह संबंध बहुत अच्छा था, हंसी, चुटकुले, वह सब कुछ जिसकी आप उम्मीद कर सकते थे। लेकिन जिस तरह से नूह ने मुझे देखा, उसके बारे में कुछ ने मेरी दुनिया को 180 डिग्री मोड़ दिया। उन लुक्स में कुछ और था जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता था, और बस ऐसे ही समस्या शुरू होती है। मुझे उन रातों में से एक याद है, हम सभी मेज के चारों ओर बैठे थे, हंस रहे थे और कहानियां साझा कर रहे थे। नूह और मेरे बीच का रिश्ता एक खास तरीके से बढ़ा। साझा की गई हर बात एक रहस्य की तरह लग रही थी जो कुछ और छिपाती थी। हर लंबी नजर अंधेरे में कानाफूसी की तरह थी। तनाव वहां था, हवा में तैर रहा था, आप इसे हमारी हर बातचीत में महसूस कर सकते थे। उस रात जब हर कोई कुछ पेय खरीदने गया था, नूह और मैं लिविंग रूम में अकेले रह गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, हम सामान्य रूप से चैट कर रहे थे, और मैं आपको नहीं बता सकता कि कैसे, लेकिन एक बिंदु पर हम पहले से कहीं ज्यादा करीब थे। यही वह जगह है जहां मेरे पति के दोस्त के साथ होने का पागल विचार मेरे दिमाग को पार कर गया। वह ऐसी बात कैसे सोच सकता है? यह खतरनाक इलाका था, अज्ञात परिणामों से भरी सड़क। लेकिन उस पल में हमारे बीच संबंध सभी चेतावनियों की देखरेख करने के लिए लग रहा था। हमारी आंखें मिली और उस मूक आदान प्रदान में हम समझ गए कि कुछ बदल रहा था। शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी, माहौल का तनाव खुद के लिए बोलता था। यह उस क्षण था जब वास्तविकता और प्रलोभन आपस में जुड़ गए थे। तो आप लुकास को जानते हैं, वह मेहनती और अच्छा आदमी, हालांकि उसके पास सब कुछ लग रहा था, एक शून्य छोड़ गया जिसे हम शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर सके। लेकिन अब मैं आपको अपनी रातों में वापस ले जाना चाहता हूं, जब एकरसता एक मूक भूत की तरह हमारे घर में बस गई थी। हम दोनों दोपहर में काम छोड़ देते थे,
थके हुए लेकिन अपने घर में कुछ और खोजने की उम्मीद कर रहे थे। जब हम घर पहुंचे तो दिनचर्या ने संभाल लिया। लुकास शॉवर में जा रहा था जबकि मैंने लिविंग रूम में आराम करने की कोशिश की, कभी कभी टीवी देखकर, कभी कभी सिर्फ अपने विचारों में। नहाने के बाद रात के खाने की तैयारी हुई। हमने एक साथ खाना बनाया। हमारे रिश्ते में लॉ को जीवित रखने की कोशिश की, लेकिन समस्या रसोई में नहीं थी। असली लड़ाई रात के खाने के बाद शुरू हुई जब रोशनी चली गई और हम बिस्तर पर चले गए। ये वह जगह है जहां चीजें जटिल हो गईं। कई रातें मैं अपने पति के साथ अंतरंग होने के लिए तरसती थी, उस चिंगारी की तलाश में जो वहां नहीं लगती थी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने लौ को जलाने की कितनी कोशिश की, जवाब एक ही था, मैं थक गया हूं, मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद कल। और इसलिए हमारे बीच की दूरी बड़ी और बड़ी होती गई। बिस्तर कनेक्शन और प्यार का स्थान बनने के बजाय एक मूक युद्ध के मैदान में बदल गया था। मेरी इच्छा उनके बहाने से टकरा गई और निराशा हमारे कमरे में तीसरी उपस्थिति बन गई। हमारे बीच बनने वाली भावनात्मक अशांति हर रात और अधिक स्पष्ट हो गई, जैसे अनकहे शब्दों की एक मूक गूंज। ये नियमित रातें यातना में बदल गईं और यहीं से यह सब अलग होने लगा। अंतरंगता की कमी सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं थी, बल्कि उस वियोग का प्रतिबिंब था जो हमें पकड़ रहा था। रातों और रातों के बाद महसूस करने के बाद कि मेरी इच्छा ल्यूक के बहाने की दीवारों के खिलाफ दुर्घटनाग्रस्त हो रही थी, मैंने समस्या का सामना करने का फैसला किया। यह बोलने का समय था, व्यक्त करने के लिए जो लंबे समय से मेरे दिल पर वजन कर रहा था। मैंने अपने पति के साथ कई बार अलग अलग समय पर और अलग अलग तरीकों से इस विषय पर चर्चा करने की कोशिश की। उसके साथ फिर से जुड़ने के एक हताश प्रयास में मैंने नाजुक तरीके से सवाल किया, सही शब्दों की खोज की जो उसके अहंकार को चोट नहीं पहुंचाएंगे या हमारे बंधन को और भी दूर धकेल देंगे। लेकिन हर बार जब मैंने बातचीत के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लुकास ने मेरे सवालों को टाल दिया। उनके जवाब अस्पष्ट थे, इनकार और खोखले वादों से भरे हुए थे कि कोई समस्या नहीं थी। चिंता मत करो शहद, यह सब अच्छा है, वह मुझे एक मुस्कान के साथ बताती थी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। उन्होंने मेरी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि एक तूफान में बारिश की एक बूंद को अनदेखा करता है। निराशा ने मुझे जकड़ लिया, जैसे कि मैं अपने हाथों में पानी पकड़ने की कोशिश कर रहा था। संचार, जो हमारे रिश्ते की नींव हुआ करता था, अनुत्तरित प्रश्नों और अर्थहीन उत्तरों की निरंतर लड़ाई बन गया। उसके दिल को खोलने के हर प्रयास ने मेरी आत्मा में एक और दरवाजा बंद कर दिया। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है या समस्या को कैसे हल करना है। जवाबों की कमी और स्थिति को संबोधित करने में मेरे पति की अक्षमता ने हमारे बीच एक गहरी दरार छोड़ दी। संचार की कमी एक दीवार बन गई जिसने हमें हर दिन अधिक से अधिक अलग किया। हालांकि मैं एक समाधान की सख्त तलाश कर रही थी, लेकिन मेरे पति इनकार के बुलबुले में संतुष्ट लग रहे थे। जब मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी शब्द हमारे चारों ओर निर्मित भावनात्मक बाधाओं को भेद नहीं सकते हैं, मैं चुप्पी की एक भूल भुलैया में फंस गया है, जहां मेरे भीतर चीख किसी भी शब्द में बोल सकता है कि तुलना में जोर से लग रहा था। भ्रम निराशा के साथ मिश्रित था। लुकास के साथ संवाद करने का हर प्रयास समुद्र में एक बोतल में संदेश फेंकने की तरह महसूस करता था। उम्मीद करता था कि कोई इस मामले में उसे उठाएगा और मेरी कॉलिंग को समझेगा। हालांकि मेरे पति अभी भी अपने बुलबुले में थे, एक बुलबुला जो हालांकि पारदर्शी अभेद्य लग रहा था। मेरे रोने की गूंज पर घर एक गगन भेदी चुप्पी से भर गया था। संचार की कमी ने हमें हर दिन और अलग कर दिया, जैसे कि हमारी आत्माएं अपने अलग अलग तरीकों से जाने के लिए किस्मत में थीं। प्रत्येक रात अधूरी उम्मीदों, दमित इच्छाओं और अनकहे शब्दों का दोहराव बन गया। भ्रम मेरे मन में एक घने कोहरे की तरह बसे, स्पष्टता के किसी भी निशान को ढंकना। मैं बार बार सोच रहा था कि हमारे साथ क्या हुआ था, हम इस बिंदु पर कैसे पहुंचे थे। निराशा मेरे सीने में समाई हुई थी, एक जहरीले पौधे की तरह बढ़ रही थी, जिसने प्यार के किसी भी निशान को दबाने की धमकी दी थी, जो अभी भी बनी हुई थी। इन अंतहीन रातों में हताशा मेरी वफादार साथी बन गई। यह इस बिंदु तक कैसे पहुंच सकता था? कैसे एक शादी है कि प्यार और वादे के साथ शुरू किया था, अब खुद को कोई स्पष्ट रास्ता के साथ एक भूल भुलैया में उलझा पाया। फिर यह पता चला कि एक दिन
लुकास ने अपने घर पर कुछ दोस्तों को आमंत्रित करने का फैसला